मुझे फील हो रहा था कि इंडिया बहुत डरा हुआ खेला है। आप शहीन का अगर ओवर्स देखें तो वो पहली बॉल भी वो इतने डरे हुए थे कि उसको फुल टॉस को भी उसने रोक लिया, वो कैच होते होते बचा, और उसके पूरा दो ओवर का स्पेल देखें वो डरे हुए थे। शर्मा को उसने आगे बॉल दी, उसने ड्राइव ही मारी, जबकि दुनिया का कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो वो ड्राइव मारता ही मारता अगली बॉल को, वो डरे हुए थे शहीन से। मगर अनफॉर्चुनेटली उसको उनको ये नहीं पता था कि ये तो बेचारा अनफिट है, उसका ना बॉल स्विंग हुआ, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आई। मगर मैं समझता हूँ जब आप अनफिट हो ना तो ये आप अपने साथ तो ज़्यादती करते ही करते हो, आप पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती कर रहे होते हो कि आपको पता होता है कि मैं अनफिट हूँ, मैं 100% नहीं दे सकता, आपको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। देखें उसका नुकसान ये हुआ है हमें कि आखिरी ओवर में जब शहनशाह बॉलिंग कर रहे थे तो वो उससे भागा नहीं जा रहा था, बड़ा स्ट्रगल करके 92 वर्ल्ड कप में मुझे याद है इमरान खान इस तरह की बॉलिंग किया करते थे, बहुत मुश्किल से भाग के आगे स्लो, तो वो आप अपना नुकसान तो करते ही करते हो। आप ये भी कह दें कि शाहीन से बड़ा हो क्या इमरान खान नहीं बनेगा? नहीं, मैं वो नहीं, मैं वैसे एक जनरली मिसाल दे रहा हूँ कि उसका नज़र आ रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर आपको टीम का सोचना चाहिए अपना नहीं। मतलब इसमें कसूर किस किस का है? देखें इसमें ऑब्वियसली कसूर मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट को पता है सिलेक्शन गलत हुई है, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे कि यार आप दोस्तियों से बाहर आ जाएं, जब आप दोस्तियाँ ले कर चलेंगे ना तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। रिकी भाई, पहली इनिंग में जिस तरह से इंडियन बॉलर्स अटैक कर रहे थे, जिस तरह से बॉल पड़ रही थी, स्विंग हो रही थी, दूसरी इनिंग में क्या फ़र्क था? वो आपने पहले भी समझाया था लेकिन मैच देखने के बाद कितना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था कंडीशन? देखिए मेजर डिफरेंस था, जिस तरीके से बॉल सीम और स्विंग हो रहा था वो हमें बिनवेश्वर बिकॉज वो इतना तेज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सीम और बाउंस था विकेट में, आई थिंक दैट बहुत मुश्किल विकेट था। हमने सुबह बात की रिजवान की, ठीक है रिजवान को प्रॉब्लम है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और सबको पता चल गया, लेकिन कंडीशंस ने बॉलर्स को उस तरीके से सपोर्ट किया और बॉलर्स ने उस तरीके से जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली बॉलिंग की, जिसमें से उन्होंने उसको स्कोर्स नहीं करने दिए। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया की बैटिंग को पाकिस्तान की बैटिंग से पहले 6 ओवर्स की, तो आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग जो यूनिट था उसको एडवांटेज बहुत कम था, आई विल से 20-25%, लेकिन इंडिया को 75% था जिस तरह पहली इनिंग्स थी। अगर यही हमारे बॉलर्स कर रहे होते तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया शायद इतने रन नहीं करता, लेकिन कुछ कह इसलिए भी नहीं सकते क्योंकि इस हमारे बॉलर्स ने 4 आउट वैसे भी कर लिए, 20 पे 4 थे इनके, तो सो देयर वाज अ बिग डिफरेंस बॉलिंग में। मैं फिर कहूंगा कि बॉलिंग को हम फिर उस तरीके से हम लोगों ने इतना नहीं कहा, ठीक है शाहीन वॉजेंट अप टू द मार्क, हम सबको पता था, पहले भी बात की थी कि हम उसे उस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हारिस रऊफ आई थिंक वंस अगेन ही हैज बोल्ड अमेजिंगली वेल, ठीक है 2 गेंदों पे 2 छक्के पड़ गए, हो जाता है क्रिकेट में, बट आई थिंक ही वॉज अमेजिंग। ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट ने बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन उसको अब हारने के बाद चीज़ें थोड़ी सी आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरीके से हमने आखिरी 10 ओवर में 118 रन दिए, विच इज़ अ बिग बिग डिफरेंस व्हेन यू गॉट 4 विकेट्स अप इन द पावर प्ले। सो वो कंसर्न हमारा पिछली सीरीज से भी है कि हम लोग मिडल ऑर्डर में उस तरीके से बैट्समैनों को आउट नहीं कर पा रहे, हमें उनको लेके चलना नहीं आ रहा, हमारे बॉलर्स जो हैं वो मोस्ट प्रॉबली विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं कर रहे, कंटेन कर रहे हैं शायद, तो डिफरेंट था। और शान की तारीफ करनी पड़ेगी, अगर हम शान और कोहली की इनिंग्स को मैच करें देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट इनिंग्स बाय विराट कोहली, फार फार अवे इंटेंट, द इंटेंट जिस तरीके से लेके चला, जिस टाइम पे उसने एग्जीक्यूशन की, जिस टाइम पे सिंगल्स करने थे, जब बाउंड्रीज की जरूरत थी, कब एक्सेलरेशन की जरूरत थी। और शान की भी इनिंग्स को मैं इसलिए कहूँगा कि आई नो शान इज़ न्यू टू दिस एरिना, बट जब शान के सामने भी 2 आउट हो गए, उसके बाद वो चला, फिर एकदम 3 विकेट उनके सामने गिर गई 2 ओवरों में, और उसके बाद वो एंड तक लेके गया, आई थिंक दैट 50 रन्स हैज़ गिवन कॉन्फिडेंस टू शान एज वेल एज द टीम, एंड प्लस उसकी वजह से जो स्कोर है वो पाकिस्तान वॉज एबल टू स्कोर 160, वेयर एज उसके एंड में इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अच्छा इस मैच में ओवरऑल आमिर भाई जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स ने उस तरह से बॉलिंग अच्छी नहीं की, और हमारी यूनिट में एक चीज़ और अच्छी ये नज़र आई कि अगर शाहीन की हम बात करें कि वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी इंजरी से, कम बैक कर रहा है, रिहेबिलिटेशन मिला, तो नसीम ने फिर आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म भी किया, अच्छी लेंथ पे बॉल रखी। नहीं देखिए इस ठीक है गो कि पाकिस्तान मैच हार गया और जब हारते हो तो आपको वीकनेस नज़र आती, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी थी,
सबसे पहले अगर आप बैटिंग को देखिए तो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था कि यार ये बीच के जो नंबर तीन है नंबर चार है इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। उन्होंने कर जो शान और इफ्तिखार ने किया ये अच्छा है कि पहले मैच में और इतने प्रेशर गेम में किया। ये पाकिस्तान के लिए आगे मैचेस, क्योंकि दो तीन मैचेस आपके आसान है, नीदरलैंड है, जिम्बाब्वे है, फिर साउथ अफ्रीका है, लेकिन ये जो मैच था ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इतना प्रेशर वाला गेम था, इसमें उन दोनों का रन करना पाकिस्तान के लिए बहुत प्लस है। फिर नसीम का और हारिस का जो आज कॉम्बो था, अगर ये इसी लेंथ को इस टूर्नामेंट में हिट करते रहे ये दोनों ही मोस्ट फुल बॉलर होंगे, क्योंकि जो 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 8 मीटर की लाइन है जो इन दोनों ने स्टार्टिंग में जिस पे बॉलिंग की है, अगर ये इस टूर्नामेंट में इस लेंथ को हिट करते रहे, अगर पांड्या जैसा बंदा वहाँ से मार नहीं खा रहा था ना तो नसीम और हारिस नहीं खाते पूरे टूर्नामेंट में, तो ये प्लस था। फिर एंड पे जैसे वहाब भाई ने बोला कि हमारे बच्चे न्यू हैं इस अरीना में, जैसे नसीम है वो अभी इस सेटअप में आया है, फिर शहीन कम बैक के बाद आया तो वो एकदम से एंड पे डेथ ओवर्स में सिचुएशन प्रेशर वाली आ गई। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि हमारी लास्ट 4 ओवर्स में इकोनॉमी सेकंड हाईएस्ट है, ये आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। इंडिया की फर्स्ट है, इंडिया ने भी आखिरी 10 ओवरों में 100 खाया, हमने भी आज 10 ओवरों में 118 खाया, तो ये T20 में कंसर्न है, पहला पावर प्ले और लास्ट 4 ओवर्स ये आपके मैच डिसाइड करते हैं और आपको इस चीज़ पे काम करना। और दूसरा ये है कि देखिए हमने पहले भी बात की थी कि जिधर आपको कंडीशन फेवर करती है उधर नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, जिसका आज हमने फिर देखा कि बोल्ड वेल, ऊपर से 4 आउट हो गए, वो प्रेशर नहीं था आज के मैच में थ्रू आउट, लेकिन नसीम को इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, अगर आगे जाके उस तरह सीम और स्विंग नहीं मिलेगा। देखिए अब हमारे मैचेस, एक नीदरलैंड के साथ हमने मैच खेलना है, एक हम लोगों ने जिम्बाब्वे के साथ खेलना है, एक हमारा तगड़ा मैच है जो सबसे ज़्यादा वो है सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो देखिए कॉन्फिडेंस लेके चलना पड़ेगा नसीम को इन दो मैचेस में, ही शुड शो द डिफरेंस कि ठीक है वो टीमें दे आर नॉट अप टू द मार्क बट ही शुड बी बॉलिंग वेल, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो फिर से आएगी अटैक करेगी। सिडनी में मैचेस हैं, वहाँ पे बॉल जो है वो बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा वहाँ पे सीम स्विंग नहीं होता, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, तो उधर के लिए उसको अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका फ़ायदा एज ए बॉलर उसको भी होगा और पाकिस्तान को भी। अच्छा, नसीम की बॉलिंग में आज अगर कोई कमी है या कोई मशवरा? देखिए कमी इस वजह से नहीं थी कि देखें पहले 2-4 ओवर मैंने जिस तरह पहले भी बात की थी सुबह में कि इंडिया की टीम ने 6 ओवरों में तो बिल्कुल गिव अप किया हुआ था, हम सुबह भी ये बात कर रहे थे कि वेदर मैच से पहले कि वो टैकल कैसे करते हैं, उनकी अप्रोच क्या होगी, उनकी अप्रोच बहुत कैजुअल थी, स्पेशली राहुल की और शर्मा की जो अप्रोच थी वो बहुत कैजुअल अप्रोच थी, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हम नए बॉल पे रन करें, उन्होंने ये शायद सोचा था हम 3-4 ओवर निकाल लेंगे उसके बाद हम लेके चलेंगे क्योंकि बैटिंग लाइन में उतनी डेप्थ नहीं है तो हम उस तरीके से, बट देखिए आपको अगर मैच जीतना है अच्छी टीमों से तो आपको अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बॉलर्स का अगर शहीन की बात करूँ वो वही जो बाय बुक आप लेके आ रहे हो ना वही चल रहे हो, आते ही आज फिर राउंड द विकेट आ गया।